नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान फिरोजाबाद के टूंडला नगर में संचालित होने वाले होटलों में देह व्यापार का गोरख धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। रात को एटा रोड स्थित राधा कृष्ण गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां से दो युवतियों और बताया जा रहा है कि अन्य दो युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया है, जिसके दौरान उनसे पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दो युवक मौके से फरार हो गए हैं। होटल संचालक ने इस धंधे के लिए बताया जा रहा है कि दिल्ली और पश्चिमी बंगाल से बुलाई गई थी। इस दौरान पुलिस थाने के सीओ ने बताया कि लंबे समय से गेस्ट हाउस और इससे बताया जा रहा है कि इस गोरख धंधे की सूचना मिल रही थी और रात 8:30 बजे सीओ ने पुलिस बल के साथ यहां पर छापेमारी करी और इस दौरान एटा स्थित राधा कृष्ण गेस्ट हाउस से छापेमारी करते हुए यहां से दो कमरे से दो युवक और दो युवतियों को आपत्तिजनक हालत में कुछ आपत्तिजनक सामान के साथ बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद वहां से दो युवक फरार हो गए हैं, लेकिन अन्य से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पता चला है कि मोबाइल पर फोटो दिखाकर ही बुकिंग तय कर दी जाती थी और एक घंटे के लिए 500 रुपए के लिए यहां पर रूम भी बुक किया जाता था, जिसके दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।